नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ सुतिका थपलियाल। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ। एलपीजी यानी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर इजाफा किया गया है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के मानिकपुर में 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत 1000 से ऊपर और 50 पैसे हो गई है। इस महंगाई ने लोगों का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। मानिकपुर का पाठा क्षेत्र हमेशा गरीबी की समस्याओं से जूझता रहता है। ये क्षेत्र बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, जहां पर लोगों के रोजगार का कोई संसाधन नहीं है, जिससे यहां के लोग बाहर पलायन करते नजर आते हैं। तो वहीं गैस के बढ़ते दाम को लेकर गरीब तबके के लोग गैस सिलेंडर को अलग रखकर अब चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हो गए हैं। देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर देखिए हमारे संवाददाता मोहम्मद अनीस की एक खास रिपोर्ट। तो ये गैस के दामों में जो अभी बढ़ोतरी हुई है, उससे आप लोगों को क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कतें आती हैं सर, यहाँ गैस इतनी महंगी, हर महीने आप 50 रुपये बढ़ा रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, बताइए किस तरह हम अपना जीवन यापन करते हैं, ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। आए दिन आप गैस बढ़ाते चले जा रहे हैं, हम लोग कैसे भरा पाएंगे? इससे अच्छा तो हम लकड़ी से बनाना स्टार्ट कर देंगे। 200-300 रुपये की दिहाड़ी करके कमाने खाने वाले आदमी, हमारा कैसे गैस में पूरा पैसा चला जाएगा? एक महीने के गैस का अगर हम 1000-1200 रुपये दे दी तो बाकी हमारा क्या बचेगा? क्या हम सब्जी खरीद लेंगे, क्या आटा खरीद लेंगे? इस समय गैस का रेट 1069.50 रुपये है, तो भरवाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि गरीब आदमी चलिए ठीक है, जो बड़े लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को बहुत दिक्कत है। हम एक एक रुपया जोड़ के रखते हैं, एक दिन में साला चला जाता है पूरा पैसा। तो क्या होना चाहिए गैस में कि दामों में कमी? घटाए, गवर्नमेंट घटाए, गरीबों के लिए बनी है सरकार, तो घटाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार। कहाँ? मानिकपुर पटा सरहट। गैस भराने आए हैं आप यहाँ? हाँ भैया, गैस भराने। तो गैस के जो बढ़ते दाम जो बढ़ रहे हैं, उससे क्या आप लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब दिक्कतें तो है ही है भाई, महंगाई बढ़ रही है हर चीज़ में, कमाई कम है, खर्चा ज़्यादा है, तो समस्याएं तो बहुत है। तो आज इस 7 मई से 50 रुपये फिर बढ़ गया है, तो 1070 रुपये इस समय रेट हो गया है। हाँ, तो इससे क्या आप लोग को कितनी दिक्कतें आ रही हैं? अब दिक्कतें तो बहुत हैं, अब क्या करें, मजबूरी है। अब भाई कोई निश्चित रेट है नहीं कि निश्चित रेट हो भाई, हर महीना दूसरे तीसरे महीना रेट बढ़ना है, तो अब सारा बोझ पब्लिक पर तो आएगा भाई। गवर्नमेंट का क्या है, महंगा पाए महंगा बेचे, और जो आदमी रोज कमाने खाने वाला है उसके लिए तो कमाई निश्चित है और खर्चा बढ़ता जा रहा है, तो अपना परिवार नहीं पाल पा रहा है, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो क्या रेट कम होना चाहिए? रेट तो बिल्कुल कम होना चाहिए। क्या नाम है आपका भाई? 465 रुपये से 1070 रुपये हो गया, तो चलो महंगाई डबल मान लो, लेकिन अब ये डबल से भी ज़्यादा जा रही है, तो समस्याएं तो बहुत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम कुमार पाल। गैस के बढ़ते दामों को लेकर आज हम आए हुए हैं मऊगढ़ी के इस छोटे से किराने की दुकान पर। जानते हैं यहाँ के लोगों से कि गैस की जो बढ़ते दाम हैं उनसे उस पर इन दुकानदारों पर या यहाँ के लोगों पर क्या असर पड़ा हुआ है। जी बताएं, यहाँ आप गैस भराते हैं, क्या समस्याएं आती हैं? फिलहाल तो हम लोग गैस नहीं भरा रहे हैं, क्योंकि गैस काफ़ी महंगी हो गई है, इसको भरा पा नहीं रहे हैं, और जो खाना वगैरह ठंडा हो तो यहाँ हम लकड़ियाँ बिन ले रहे हैं, कंडे बिन ला रहे हैं घर वाले, तो कुछ गैस भरा बढ़ती नहीं है, और जैसे काम कर रहा है खाने वगैरह गैस लकड़ी से बनती है। तो आपका जो ये घर का खर्च चलता है, तो क्या इस किराने की दुकान से ही चलता है या फिर? जी फिलहाल तो इसी छोटी सी दुकान से चल रहा है हमारे। तो क्या चाहते हैं, आपकी दाम कम होने चाहिए? जी गैस के दाम तो कम होने चाहिए, पहले सब्सिडी भी मिलती थी गैस भराने पर, लेकिन अब वो भी नहीं मिल रही है, और गैस का जो रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है, इससे काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो आप कब से गैस नहीं भरवा रहे हैं? गैस तो हमें काफ़ी टाइम से हो गया नहीं भरवा रहे हैं। ये थे इस दुकान के मालिक, जो जिनका कहना है कि गैस के जो बढ़ते दाम है उनको लेकर गैस भराने में काफ़ी समस्या लगातार। गैस सिलेंडर दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनमानस पर गहरा असर पड़ रहा है। मानिकपुर का पाठा क्षेत्र हमेशा गरीबी की समस्याओं से जूझता आ रहा है।
यह क्षेत्र बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर रोजगार का कोई संसाधन नहीं है, जिससे यहाँ के लोग बाहर पलायन करते हैं। तो वहीं गैस के बढ़ते दाम को लेकर गरीब तबके के लोग गैस सिलेंडर को अलग रख कर चूल्हे में बनाना शुरू कर दिए हैं। आइए हम जानते हैं गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम को लेकर कितना असर देखने को मिल रहा है यहाँ के लोगों को। जी बताएं, गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? पैसा नहीं हो तो दिक्कत है, दिक्कत ही गाय पैसा नहीं है तो दिक्कत ही। कहते मानी क्या है कि कुछ पैसा के हमारे हुनर तो होवा चाहिए। पाठा क्षेत्र में हम का कैले, ईंटा गर्म कितना मिला था हुआ से तो गुया हो गया, फलाने गैस दे दिन, गैस दे दिन। अब गैस माने गैस तो दे दिन मानो पैसो तो नहीं, पैसो दे तो फिर हम गैस भरावन, खाना बनावन खान। तो आप क्या चाहते हैं, गैस के दाम कम होने चाहिए? और क्या कम हो के चाहिए? ये बताइए गैस क्या, आप लोग क्या समस्या रहे गैस पे? गैस की समस्या है कि हमारे पैसा नहीं है, तो पैसा की समस्या है। तो सरकार ने तो आपको गैस दिया है, गैस दिया है, फ्री में गैस दिया है, फ्री में दिया है, तो पैसा भी आ जाएगा दे तो फिर गैस भराए। अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ प्रधानमंत्री द्वारा जो गैस दिया गया था वही है गैस आपको? हाँ वही गैस है, गैस तो मिल गई है जी, मगर भराने का पैसा नहीं है, महंगी बहुत है गैस। तो चूल्हा गैस अलग रख दिया है, लकड़ी काट के चूल्हे में रोटी बना। तो आप गैस कब से नहीं भरा रहे हैं? गैस काफी दिन से जब से बढ़ गई है तब से नहीं गैस भरी गए, और गैस के दाम कम करें तो फिर गैस भराई जाए। देखिए यहाँ के लोगों को देखा जाए तो गैस के दाम अगर कम हो तो उनको गैस भराने में आसानी होगी। इससे आइए जानते हैं हम और यहाँ के कुछ निवासी से कि क्या समस्या है। जी बताएं क्या समस्या है गैस को लेकर? भैया गैस महंगी है इसलिए नहीं भराया, गैस सस्ती कर दें नहीं तो। और यहाँ के लोग हैं क्या, सभी लोग चूल्हे में बनाते हैं या फिर कुछ लोग गैस में बनाते हैं? नहीं, जिनके जिनके गैस है, जब गैस इतनी महंगी तो सब लोग चूल्हे में बनाते हैं। अच्छा, तो क्या होना चाहिए? गैस सस्ती कर दें, सस्ती करे तो फिर हम घर भाई करे थे, अब बच्चे पाले कि हम गैस भराए। असर मोदी दई तो दी थी गैस, लेकिन अब भराई कह दी नहीं। तो ये आप के यहाँ भी गैस है तो क्या चूल्हे में बनाते हैं खाना? अच्छा, गैस सस्ती करें तो भगवान गैस, सस्ती न करेंगे तो चूल्हे में तो खाना बनाना ही पड़ेगा, मजदूर आदमी गरीब आदमी, चूल्हे में तो खाना बनाएंगे। अगर गैस सस्ती करेंगे तो गैस भराएंगे तो गैस नहीं बनाएंगे। जी देखिए यहाँ आज हम मऊगढ़ी मानिकपुर पर खड़े हुए हैं, यहाँ के जनता से हमने राय ली। यहाँ के लोगों का कहना है कि गैस के बढ़ते दाम को लेकर यहाँ भारी समस्याएं हैं। यहाँ के लोग जो दिन में 250-300 की मजदूरी करते हैं, जिससे वो अपने बच्चों का पालन करें या गैस भराएं। यहाँ के लोगों का मानना है कि गैस के सरकार दाम कम करें, जिससे उनको आसानी हो और वो आसानी से गैस भरा सके। मानिकपुर से मोहम्मद अनीस, केकेडी न्यूज़। रायबरेली के सलोन में आम लोगों का कहना है कि हम मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं, महंगाई आग की तरह लगातार बढ़ती जा रही है और योगी सरकार में महंगाई ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। बात करें सब्सिडी गैस सिलेंडर की तो बीते 4 महीनों में 4 बार गैस सिलेंडर के रेट बढ़ते मिले हैं। वर्तमान में गैस सिलेंडर 1400 से अधिक का है। सिर्फ गैस सिलेंडर ही नहीं बल्कि सब्जी, पेट्रोल, डीजल, अन्य सामग्री भी महंगी मिल रही है। इसी कड़ी में महंगाई पर देखे हमारे संवाददाता मोहम्मद सलीम की ये खास रिपोर्ट। आज मैं गैस के मुद्दे पर, गैस की महंगाई के मुद्दे पर बात कर रही हूँ। यहाँ पे कई लोग को देखा मैं सिलेंडर ले जाती हूँ, मैं आइए मैं इनसे बात कराता हूँ। भैया आपका नाम? भैया गैस जैसे आज महंगी हो गई है, 6 महीने में साल भर में रेट काफ़ी बढ़ गए, इसमें क्या दिक्कतें आई हैं? दिक्कतें यही कि सिलेंडर भराने में बहुत समस्याएं हो रही हैं। रोज का रोज सिलेंडर 50 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये रोज का रोज दाम बढ़ाते जा रहे हैं, इससे कब तक चलेगा? खाना बनाने के लिए रोज महंगाई बढ़ती है, सोचना पड़ रहा आम आदमी कैसे करेगा। पेट्रोल के दाम बढ़ते ऊपर की दाम डेली बढ़ा रहे हैं, लगभग हफ्ते में 2-3 बार बढ़ ही रहा है, इसलिए
आम जनता को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। सरकार अभी जैसे गैस का रेट चल रहा है 1048 रुपये, तो इसमें क्या इशू है आपको? महंगाई कितनी हो गई है इस महीने? यही है, पहले 1000 रुपये के अंदर ऐसा था, 1048 हो जाता था, लेकिन जो है आपको 1000 से ऊपर हो रहा है, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर सिलेंडर भरवाना होता है तो एक बार सोचना पड़ता है कि भरवाने जाएँ कि ऐसे ही काम चलाएँ, किसी तरह जो है घर का काम चल रहा है। आइए बात करते हैं भैया, देखो भैया गैस का इसमें इस टाइम क्या रेट है? 6 साल 2 साल में कितना रेट बढ़ गया अब तक? 10-10 रुपये बढ़ रहा था कि 50-50 रुपये डायरेक्ट बढ़ रहा था? जैसा कि आप यहाँ सुन रहे हैं कि डेली 50 रुपये या 10 रुपये बढ़ रहा है। मोहम्मद सालिम, KKTV, सलाम।